खबर पर पैनी नजर। उपजा की जिला इकाई के पत्रकारों ने प्रदेश अध्यक्ष जीसी त्रिवाथो के निर्देश पर जिला अध्यक्ष रहीत अहमद की अगुवाई में मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र आयुक्त सुधीर कुमार ओझा को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में सोशल एक्टिविस्ट रहे प्रदीप मित्रा की संदेहास्पद मौत की जांच कराए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। सर्वप्रथम उपजा के बैनर तले जिले भर से आए दर्जनों पत्रकार जिला सूचना कार्यालय पर इकट्ठा हुए और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए आयुक्त के आवास पर पहुंचे, जहां उपजा के प्रदेश अध्यक्ष जीती श्रीवास्तव व जिला अध्यक्ष रहीत अहमद व महामंत्री जगपाल सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। शुक्रवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि मीडिया के कारण ही लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र के रक्षक और समाज के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारगण अपनी भूमिका का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं, किंतु विगत कुछ वर्षों में पत्रकारों के साथ हुई दमनकारी घटनाओं, हमले और हत्या, तरह तरह के उत्पीड़न की घटनाओं से पत्रकारों की स्वतंत्रता की कार्यशैली खतरे में डाल दिया गया है। इसलिए वर्तमान परिवेश में स्वच्छ पत्रकारिता के लिए तथा देश में लोकतंत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना जरूरी हो गया है। ऐसे में लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल व मीडिया आयोग का गठन करने के अलावा पत्रकार स्वर्गीय ब्रजनंदन तिवारी के आश्रितों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अविलंब मुहैया कराने की मांग प्रमुखता से की गई। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा गोंडा की जिला शाखा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मांग करते हुए कहा कि भारत देश में पत्रकारों के जीवन की सुरक्षा एवं मान सम्मान के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना नितांत जरूरी हो गया है। प्रिंट मीडिया से इतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है। ऐसे में संयुक्त मीडिया के संरक्षण एवं नियमन के लिए मीडिया काउंसिल का गठन किया जाना जरूरी है। भेजी जा चुकी है सब, उसका डिटेल हमको निकलवा दो। अगर डीएम तुमको नहीं, तुम किसी से बता दो हमारा तबीयत कैसी है, तुम किसी को भेज बता दो, जिसको बताओ जिसके पास हो उसकी कॉपी निकाल के हमको दिखा दीजिए। हमको पता लगा नहीं भेजा गया अभी तक। उस चिट्ठी की कॉपी जो बाबू देखता होगा हमारे यहाँ के स्टाफ को बता दो, ये बच्चे वहाँ निकलवा देंगे।